अरे वाह, आज मौसम कितना बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। हैरी उठ जाइए, ब्रेकफास्ट तैयार है। हैरी उठिए ना, सुबह हो गई है। इतने प्यार से उठाने के लिए शुक्रिया मित्सी। अरे शिनचैन, तुम भी उठ जाओ ना बेटा। सुबह हो गई क्या मम? आप हर रोज इतनी सुबह क्यों उठ जाती हैं? सोने दो ना थोड़ी देर। अब तो नींद खुल गई ना, अब चलो ब्रेकफास्ट तैयार है। अरे ये क्या बेटा, तुमने बिस्तर गीला भी नहीं किया? आखिरकार तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आप कब तक वापस आएंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता कि मुझे आने में असल में कितनी देर हो जाए मित्सी। अच्छा ऐसे एक बात बताऊं तुम्हें, पिछले कुछ दिनों से तुमने अचानक बहुत ही बढ़िया खाना बनाना शुरू कर दिया है। हैरी क्या आप सच कह रहे हैं? एक बार खाने बैठूं तो मन करता है कि खाना बस खाता ही जाऊं। आप ही ना हैरी, खामखा तारीफ करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लीजिए आपकी पॉकेट मनी। थैंक यू, इसे मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। जल्दी वापस आना हैरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाम से पहले वापस आ जाऊँ। माम माम सुनो ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या कहना है? एक नया खिलौना आया है, एक्शन कामिन का नया सेट है माम। नहीं 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 माम, आजकल आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ शिनचैन, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ये अंडा भी बहुत टेस्टी बनाया है, बस इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है। अब ज्यादा बातें बनाना बंद करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी बस किसी भी वक्त आ सकती है, अब जाओ भी। ओके। शिनचैन, शिनचैन, अरे आप लोग आ गए? शिनचैन तुम्हारी बस आ गई बेटा, जल्दी करो। जी अभी थोड़ी देर और लगेगी मम। क्या हुआ शिनचैन, तैयार नहीं है क्या? माफ कर दीजिए, आप लोग चलिए वो आ रही है। शिनचैन ये कोई अच्छी बात है? तुम रोज लेट हो जाते हो, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ता है। मम टॉयलेट का दरवाजा लॉक हो गया था, खुल ही नहीं रहा था। ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है शिनचैन। एक तुम्हें लॉक हो गया और आप मुझे डांट रही हो। तुम्हें वक्त पर तैयार हो जाना चाहिए, हर रोज स्कूल में लेट होना क्या अच्छी बात है? कल से लेट हुए तो पैदल ही स्कूल जाना, समझ गए तुम? गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आप लोग ड्राइंग करने के लिए तैयार हैं? आप लोगों को पता है ना क्या करना है? हाँ। इसे करने में मजा तो आता है पर बहुत ज्यादा थकान होती है। मुझे ड्राइंग पसंद नहीं। अरे कसामा तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे कजामा तुमने ये क्या बनाया? ये मैंने घोड़ा बनाया है जो जंगल में खड़ा है और हरी हरी घास खा रहा है। ओहो क्यों शिनचैन, ये बहुत अलग लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे ये चल रहा हो। मेरी ड्राइंग तो सच में हिलती डुलती है। अगर ये हिलती डुलती भी है तो इसमें कोई खास बात नहीं है, तो कोई भी बना सकता है। अब हम इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये तारीफ नहीं है। वेलकम बैक मॉम। तुम आ गए शिनचैन, मुझे भूख लगी है। क्या आप मार्केट जा रही हैं? हाँ मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो। ठीक है मैं समझ गई, पर तुम्हें सामान उठाने में मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? जरूर मॉम, मेरे रहते आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं जानता था मॉम हम मार्केट कब पहुँचेंगे। अरे जल्दी ही पहुँच जाएंगे बेटा, अगर तुम वहाँ पहुँचने से पहले ही थक जाओगे तो मेरी मदद कैसे करोगे? मॉम फीट पर बैठा लो ना। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती शिनचैन, तुम देख नहीं रहे मेरे हाथ में क्या है, तुम्हें कैसे बैठाऊं? उसे मैं उठा लेता हूँ और आप मुझे अपने पीठ पर बैठा लीजिए, कैसा आइडिया है मॉम? अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, आ जाओ बेटा। लेकिन आप गिर तो नहीं जाएंगे ना मॉम? चुपचाप चलते रहो। अच्छा आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। चुप रहो। ए?
पुराने जमाने में अब भी मजा आता है बादू। अरे भैया ये सब्जी तो बहुत ही ताजी लग रही है, ये भिंडी कितने की है और ये आलू कैसे हैं? सही लगा लो ना, बहुत महंगे लगा रहे हो। खरीदिए खरीदिए, आइए पकौड़े पकौड़े सभी के लिए, पकौड़े फ्री में चखिए पकौड़े, आपका स्वागत है। जो चीज फ्री मिलती है वो काफी टेस्टी होती है। घर यहाँ से कितना दूर है, हमें बहुत सारा खा लेना चाहिए। मुझे वो हरे वाला चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। शिनचैन तुम पैसों का ध्यान रखना, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। इसे सिर्फ देखना नहीं है, इसका ध्यान रखना है ताकि कोई और न ले जाए। ठीक है मैम। माफ करना बेटा, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है बेटा, अब हम चल सकते हैं, चलो। अरे ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? अरे शिनचैन अब छोड़ दो इसे, मैं कह रही हूँ ना छोड़ो इसे। तुम इधर आओ शिनचैन, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती? आजकल कितनी महंगाई हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा सामान भी नहीं खरीद पाई। मैम मैम देखो उधर, उधर देखो, लगता है कोई इसे छोड़ गया है। वो अपनी पूंछ ही ला रहा है, शायद ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है। मैम क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? नहीं बेटा, इसका ध्यान कौन रखेगा, वॉक पर कौन ले जाएगा, मेरे पास वैसे ही बहुत काम है। मैं इसका ध्यान रख लूंगा मैम, मैं इसे वॉक पर भी ले जाया करूंगा। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, चलो इसे ले चलते हैं। वैसे भी घर में एक डॉगी हो तो अच्छा लगता है, क्यों शिनचैन? मैम आप तो बहुत बहादुर हो। बहादुर नहीं, समझदार। मेरा वही मतलब था। इधर आओ इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। ये तो बहुत बड़ा है मम, ये तो मुफ्त में बहुत बड़ी चीज मिल गई। चलो मम को नमस्ते बोलो और उनका शुक्रिया अदा करो। जाओ जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियां लेकर आओ, जाओ। और हाँ इसे वापस छोड़कर आना। मुझे माफ कर दो, तुमने सुना ना मम ने क्या कहा, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, पर मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ना ही होगा, तो क्यों ना तुम मेरी लकड़ियाँ उठाने में थोड़ी सी मदद कर दो। अब इसे कहाँ रख दूँ? अरे वाह यहाँ तो बहुत सारी जगह है, ये लो ओए। अरे तुम तो बहुत काम की चीज हो, शायद मॉम तुम्हें घर पर रख ले। अरे शिनचैन अभी तक वापस क्यों नहीं आया, बहुत देर हो गई। मित्से, अरे सारी इतनी जल्दी आ गए, वो तो कहकर गए थे देर से आएंगे। मित्से, हैरी आप जल्दी आ गए, लेकिन खाना अभी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं मित्सी, तब तक मैं आराम से नहा लेता हूँ। नहीं नहीं मैं तो तुम्हें कुछ और बताना चाहता था मित्सी, दरअसल बात यह है कि एक बहुत बड़ा जानवर इस तरफ आ रहा है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। चलो जल्दी करो, सारी जरूरी चीजें ले लो और यहाँ से चलते हैं। तुम कितने सॉफ्ट हो, तुम्हारे ऊपर सवारी करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मॉम तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं होंगी। तुम बहुत काम के हो, लेकिन तुम इतने बड़े हो, तुम्हारा ख्याल रखना आसान काम नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। लकड़ियाँ रास्ते में गिराते नहीं दी ना। अरे वो देखो, वो सीधे श्रीमान नुहारा के घर की तरफ आ रहा है। मिच्छी कोई जरूरी चीज घर में तुम भूल तो नहीं गई हो ना? अरे मैंने सेल में जो ड्रेसेस खरीदी थी वो तो मैं लाना ही भूल गई। अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। वो देखो उधर कौन है? ये तो शिनचैन है। ये क्या हो रहा है, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मम जोर से बोलो ना।
ये आवाज कैसी हो रही है? बिजली कड़क रही है क्या? हमें कुछ करना होगा, अगर वो वहीं खड़ा रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। हरी उसे बचाना होगा। शिनचान भागो भागो भागो। ये कितना प्यारा दिखता है मामी, ये कितना प्यारा है। क्या हम डॉगी की जगह इसे घर ले जा सकते हैं? लगता है मॉम मान गई है, ये है ही इतना प्यारा। मुझे नहीं लगता वो हटेगा वहाँ से। सुनो डॉगी, अगर तुम शिनचान की मदद करोगे तो मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। इस तरह से लकड़ियों को बिखेरना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने कितनी मेहनत से सारी लकड़ियाँ जमा की थी। शिनचान बेटा, ये लो डॉगी, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। शिनचान की मदद करने के लिए ये तुम्हारा इनाम है। शिनचान, ये तुम्हारे लिए। मुझे भी बड़ा वाला पीस चाहिए, मैंने भी तो बहादुरी का काम किया है। नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें इतना ही मिलेगा। इस डॉगी को मैं ही तो लाया था और लकड़ियाँ भी मैं लाया था। ठीक है, ये डॉगी हमारे साथ रहेगा। हैरी, आप भी वादा कीजिए कि इसकी देखभाल करने में मेरी मदद करेंगे। वादा कीजिए ना डैड। ठीक है, पर तुम्हें भी इसकी देखभाल करनी होगी। सभी लोग आपके चारों तरफ नाच रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज की रात ये सब जश्न मनाएंगे। काश इनके जीवन में हमेशा ही ऐसा हो, हम तो ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ क्या होगा, खैर छोड़िए, आइए हम भी जश्न मनाएं। गुड मॉर्निंग, खाने का समय हो गया, आ जाइए। आज की सुबह तो बहुत ही खूबसूरत है। आज बीन्स बनी है, ये तो अच्छी बात है। यहाँ सुबह का मतलब ही बीन्स होता है, हेल्दी बीन्स। मैं ये पूरी प्लेट जल्दी से खा लूंगा अभी। अरे इनमें प्याज नहीं डाला है क्या? क्यों, आज घर में प्याज नहीं है? घर पर प्याज नहीं है, ये क्या कह रही हो तुम? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल का होना जरूरी होता है, उसी तरह से बीन्स में प्याज का होना जरूरी होता है। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? तुम तो हमारे स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट हो। अरे ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं इसे ले जाती हूँ। अरे इसे कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने कब कहा कि मुझे खाना नहीं है? नहीं, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, इस तरह टेबल से खाना लेकर जाना अच्छा नहीं होता है। मुझे सब पता है कि क्या अच्छा है। तुम्हें बाकी सब पता है, बस ये नहीं पता कि बीन्स में प्याज डालना है। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। मैं बस अपने आप को एक स्कूल का प्रिंसिपल समझता हूँ। यहाँ आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं तुम्हें सबसे पहले बीन्स का एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। माफी चाहती हूँ, मैं नहीं, प्रिंसिपल सर इसके बारे में बताने वाले हैं। नहीं प्यारे बच्चों, बात यह है कि आज सुबह हमने सोचा है कि आपके सिलेबस को जल्दी से कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। आप तो अच्छे बच्चे हैं, आपको उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहिए जो बीन्स में प्याज डालना भूल जाते हैं। आप तो समझदार बच्चे हैं, अपनी टीचर्स को गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग। ये हो क्या रहा है? पता नहीं। चलो चलो सब मिलकर खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो ढाबे वाला गेम खेलते हैं। चलो। पर हमें
तुम्हें करना क्या होगा? मैं एक ढाबे की मालकिन बनूंगी और तुम सब मेरे ढाबे में खाना खाने के लिए आना। मैं एक मछुआरा हूँ जो पार्ट टाइम में पुलिस का काम करता है और चोरों को पकड़ता है। मैं पड़ोस के स्टोर का मालिक हूँ, मेरे स्टोर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं बनूंगा तुम्हारे ढाबे का सुपरवाइजर जो करेगा सारी चीजों की देखभाल, ठीक है ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बन जाऊँ। हमें प्रमोशन के लिए कुछ और आर्टिस्ट चाहिए। हाँ, क्या करें? हम सबको मिलकर आर्टिस्ट को ढूंढना चाहिए। हाँ। मैंने सब जगह देख लिया, कोई भी आर्टिस्ट नहीं मिल रहा। मुझे भी कोई नहीं मिला, तुम्हें? मुझे भी नहीं। दोस्तों देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। अरे अरे शिनचैन, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं अभी तुम लोगों के साथ खेल नहीं सकता हूँ। शर्माने की कोई बात नहीं है सर। अरे मैं शर्मा नहीं रहा, मैं थोड़ा बिजी हूँ और फिर बच्चों के साथ खेलना मेरा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रिंसिपल सर, आपको नहीं लगता कि आपको बच्चों के साथ खेलकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए? ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पाऊंगा मैं। सुनो सब लोग, हमें हमारे गेम के लिए बहुत बढ़िया आर्टिस्ट मिल गया। अरे बेटा तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? अरे वाह, हमें 2 बच्चे मिल गए। सर एक तरफ मुंह करके बैठेंगे और आप दूसरी तरफ, क्यों? ठीक है ना मैम? प्रिंसिपल सर, आप तो समझ गए होंगे ना क्या करना है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी खोज खत्म होती है तो दोस्तों गेम शुरू करें। आपका स्वागत है। अरे वाह, कस्टमर आ गया। जी सर बताइए, आपका दिन कैसा रहा? आज मैंने बहुत सारे चोर पकड़ी और मछलियाँ भी। मेरी पकड़ी हुई मछलियाँ वो बेच रहा है। आइए आइए, सामान सस्ते में ले जाइए, आइए आइए। क्या मुझे आपके ढाबे पे चाय मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी, आप बैठिए तो सही। हाँ? अरे आप लोग भी तो कुछ कहिए ना, आप तो चुपचाप बैठे हैं दोनों, बस यूं ही। ठीक है ठीक है, करते हैं तो शुरू कीजिए। वाह वाह साहब, स्वागत है आपका। हमारे ढाबे में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी खाने के लिए। कितनी नकली हंसी है ना? ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी एक्टिंग से सब संभाल लूंगा। चलो चलो जारी रखो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे चाय के साथ पाव मिलेगा? अभी मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये क्या कह रही हो, अभी तक चाय नहीं बनी है? और कितनी देर लगेगी? अगर चाय पीनी है तो थोड़ा इंतजार करना होगा, समझे? मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, तुमने मुझसे इस तरह बात की तो मैं चाय पीने के लिए किसी और ढाबे पे चला जाऊंगा, समझी? बोला ना चाय बन रही है, थोड़ा इंतजार करो। मुझे हमेशा यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। ये तो बस यही एक्टिंग कर रहे हैं। लड़ना बंद करो, देखो तुम लोग इस तरह से लड़ाई मत करो। लड़ना अच्छा नहीं होता। वैसे कस्टमर गलत नहीं कह रहा है, चाय में चीनी तो होनी चाहिए और इतना ख्याल तो ढाबे की मालकिन को रखना ही चाहिए। अरे कभी चाय में चीनी कम हो भी गई तो क्या आफत आ गई, उठकर और चीनी नहीं ले सकते हो क्या? वैसे फीकी चाय का अपना टेस्ट होता है। लेकिन चाय में चीनी तो होनी चाहिए। डाल सकते हैं और। आप दोनों एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, पर मुझे तो लगता है कि आप। चलो इस बार माफ कर देता हूँ, मुझे अब ड्यूटी पर भी जाना है और मछलियाँ भी तो पकड़नी है। 5 मिनट तो रुक सकते हो ना? नहीं मुझे जाना है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बीन्स खाओगे? बीन्स है? अब तुम इतना कह रही हो तो खा ही लेता हूँ। वैसे भी बीन्स मुझे बहुत पसंद है, अगर ये टेस्टी बने होंगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ठीक है ना? अरे इसके अंदर प्याज क्यों नहीं डाले तुमने? प्याज खत्म हो गई है। ओफ़, कभी तुम चाय में चीनी कम डालती हो और बीन्स में प्याज नहीं डाले। ठीक है तो इसे खाने की जरूरत नहीं है। लगता है मुझे कोई और ढाबा ढूंढना होगा। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब से मैं तुम्हारे ढाबे में कभी नहीं आऊँगा। ठीक है जाओ और मेरे ढाबे में कभी वापस मत आना। रुक जाओ रुक जाओ। लड़ो मत, इसमें लड़ने की क्या बात है, बीन्स में सिर्फ प्याज ही तो नहीं थे, कभी कभी बिना प्याज वाली बीन्स भी खा लेनी चाहिए। बेटा तुम्हें भी इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था, किसी के सामने से ऐसे पेट नहीं उठाते हैं। ये तो बच्चे हैं, ये तो हमसे ही सीखते हैं। मैं भी आपसे सुबह के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके सामने से प्लेट नहीं हटानी चाहिए थी, मैंने ठीक नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज। मैं आज सुबह के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अब से हम कभी नहीं झगड़ेंगे। ये बाल्टी क्यों नहीं भरती? Oh, no, 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 no
बेचैन मात्सुज़ा का मैडम को दीदी बनाना चाहता है। आज रात डिनर में आप क्या खाना चाहेंगे बताइए। अरे तुम तो सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आप बता दें कि आप क्या खाना चाहते हैं तो मेरे लिए खाना बनाना आसान हो जाएगा। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ के बने बहुत ही टेस्टी वेज कोफ्ते नहीं खाए। अरे ये क्या हो गया, कुछ देर पहले तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, है ना? यही तो मैं सोच रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। वैसे कभी कभी बाहर जाकर खाने का आइडिया भी अच्छा रहता है। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, ये तो बहुत बढ़िया है, हम फ्रेंच रेस्टोरेंट में चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा अजीब कुछ हो सकता है, पर शायद दुनिया के सभी पति पत्नी ऐसे ही होते हैं। आज से मैं भी गुस्सा करना बंद कर दूंगी। अच्छा तो आज हम क्या खेलेंगे? अगर हम लुका छिपी खेलें तो कैसा रहेगा? हम ये नहीं खेलेंगे, तो हम क्या खेलें? जल्दी करो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या हम इसे स्किपिंग खेलें? बिल्कुल नहीं। अरे बो तुम भी ना, चलो मैं साफ कर देती हूँ। हाँ अब तुम ठीक लग रहे हो। No hablo de eso. हाँ अब तुम स्मार्ट लग रहे हो बो। हाँ सच में अब बो बहुत स्मार्ट लग रहा है। हाँ? अच्छा ऐसा क्या नैनी? वो अब तुम हमेशा अपना ऐसे ही ख्याल रखना, ठीक है? आज तो मैम कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रही हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बच्चों मुझे सब सुनाई दे रहा है। लगता है मैम हमारे दोस्त बनने की कोशिश कर रही है। हाँ ऐसा हो सकता है। ये बहुत अजीब बात है। तुम लोग जिस तरह से बातें कर रहे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रुक जाओ, भागने कहाँ हो? का मैम ने मसाओ को पकड़ लिया। जानते हो इंसान को हमेशा सच सुनकर ही गुस्सा आता है। सब ठीक कहते हैं, सच कड़वा होता है। क्या कह रहे थे तुम? मुझे बचाओ। देखा मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे मसाओ मैं तो मजाक कर रही थी, अब तुम रोना बंद करो। आप सच में मुझे कुछ नहीं कहेंगी ना? वैसे मैं एक बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ। मसाओ मुझे पता है, ये लो और अब चुप हो जाओ। एक बार और करो। उठो बोचैन, सुबह हो गई। ये लो अब जल्दी से अपनी नाक साफ कर लो। वो घर जल्दी आना, ठीक है? वो पहले अपनी नाक साफ कर लो। अपनी नाक साफ कर लो एक बार और। मात्सुज़ाका मैडम कितनी अच्छी है। क्या बोचैन, तुम मात्सुज़ाका मैम को अपनी बहन बनाना चाहते हो? ओ, अगर तुम मैडम को बहन बनाना चाहते हो तो तुम बुद्धू हो बोचैन। ये बात भी कोई कहने की है, ये तो मुझे पहले से ही पता था। अरे बोचैन तुम तो कमाल हो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। अब बो को क्या करना चाहिए? इसे मैम के पास जाकर उन्हें बोल देना चाहिए। ओ, ऐसी बात है। इसे मैम के पास जाकर बोलना चाहिए कि मैम आप मेरी फेवरेट टीचर है, मैं आपको अपनी बहन बनाना चाहता हूँ। पर बहन बनाने के लिए इसे गिफ्ट भी देना होगा। गिफ्ट के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? थोड़े बहुत हैं। अरे तो चलो जल्दी जाकर गिफ्ट खरीदते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, फूल देने से भी काम चल जाएगा। वैसे मैंने वॉशरूम में बहुत बढ़िया फूल देखे थे। मैम मैम मात्सुज़ाका मैम सुनिए। क्या हुआ वो? चलो अब मैम से कहो ना। वो सिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है बोचैन डर गया। इसमें डरने वाली क्या बात है? क्या आप मेरी दीदी बनेंगी? अरे मैम आप हंस क्यों रही हैं? बोचैन सच में आपको अपनी दीदी बनाना चाहता है। उसकी दीदी बनना फक्र की बात है। मात्सुज़ाका मैडम ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ।
इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। वो क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी दीदी बनूं? वो वैसे मेरा भी कोई छोटा भाई नहीं है, मुझे खुशी होगी तुम्हें अपना भाई बनाकर। अपना ख्याल रखोगे? हमेशा रखूंगा। तो ठीक है, अपनी दीदी से प्रॉमिस करो कि तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे और पढ़ाई पर ध्यान दोगे। क्या बड़े होने पर माचिजा का मैडम भी उसका ख्याल रखेंगी? बड़ा होने पर भी माचिजा का मैम वो का उतना ही ख्याल रखेंगी। मैं आपके लिए फूल लाया हूँ दीदी, ये आपको पसंद है ना? हाँ। चलो नाक साफ कर लो। मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतनी आगे की बात क्यों सोच रही हैं दोस्तों। हाँ तुमने सही कहा, और देखो वो कितना खुश है। सही कहा। मैं सब सुन रही हूँ। मैं राखी का बेसब्री से इंतजार करूँगा। मैं भी। अरे क्या हो गया माचुजाका मैडम? बताइए ना आखिर बात क्या है। अरे कुछ भी तो नहीं। अरे माचुजाका मैम ये फूल तो क्या बात है? मुझे लगता है मैंने ये फूल पहले कहीं देखा हुआ है। कहाँ पर?